अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो मुझे पता है यार, तुम लोगों को इस वीडियो का बहुत ज़्यादा और बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि YouTube पे ऐसी वीडियो अभी तक मौजूद नहीं है जो तुम्हें पूरा ट्यूटोरियल इस बारे में बताए और ये कैसे लिटरली बहुत ही अच्छी लोबी एडिट है। अगर तुम अपने टिकटॉक पे करोगे तुम्हें यार बहुत अच्छे व्यूज़ और बहुत अच्छे लाइक आएंगे और साथ साथ अच्छे फॉलोअर भी मिलेंगे। तो ये ट्यूटोरियल सिखाने से पहले यार तुम्हें मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाहता हूँ। वो क्या, मैं एकदम से ना अपने चैनल पर गया, तो जैसे ही मैं अपने चैनल पर गया ना, मैंने जाके ना गलती से क्लिक कर दिया ऑडियंस पे। ऑडियंस पे क्लिक करने के बाद गलती से मैंने हो गया स्क्रॉल डाउन, और जब मैं स्क्रॉल डाउन हुआ तो मैंने यार क्या देखा, मतलब कि यार क्या इतने बुरे ट्यूटोरियल होते हैं। 85% पब्लिक ने यार चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया। मोहब्बत टू वे होती है सर, मोहब्बत दो जगह से चलती है, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। लिटरली सिर्फ 14% लोगों ने यार चैनल सब्सक्राइब किया है। तो यार मैं अगेन बता दूँ, ट्यूटोरियल बनाने में यार बहुत ज़्यादा मेहनत, लिटरली बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आपको पता है यार, ऐसे ट्यूटोरियल पूरा YouTube में कहीं मौजूद भी नहीं है। तो आई होप अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कर देना और बेल आइकन दबा दो। तो आओ यार अपनी जो है एडिट कंप्लीट करते हैं। तो ये देख लो, एक दफ़ा तुम्हें बता देता हूँ, ये देखो इसमें मैंने कंप्लीट ये बना ली हुई है। ओके, ये कंप्लीट बना ली है, लेकिन तुम्हारे लिए ना मैं इसको डिलीट करके दोबारा बनाऊंगा। ओके, तो सबसे पहले हमेशा की तरह तुमने अपनी फाइल जो है इंपोर्ट करनी है। इंपोर्ट कैसे करनी है दोबारा बता देता हूँ। फाइल में जाकर नीचे इंपोर्ट वाला ऑप्शन है, तुम यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो और अपनी फाइल इंपोर्ट कर लेना। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी अपनी फाइल इंपोर्ट की हुई है। तो अब जो अहम चीज़ है ना वो मैं तुम्हें बताता हूँ। अहम चीज़ ये है कि तुमने यहाँ पर जैसे डबल क्लिक करोगे तुम्हारी ऊपर वीडियो आ जाएगी। ऊपर वीडियो आने के बाद ये यहाँ से तुमने अपने वहाँ पे जाना है जहाँ पे तुम डांस कर रहे हो। जैसे यहाँ पे मेरा ये डांस स्टार्ट हुआ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मेरा स्टिल आदमी खराब है, यहाँ से मेरा डांस स्टार्ट हुआ। ये देखो, ये स्टेप बैक, ये एक फ्रेम बैक जाता है, इसको तुमने बैक लेके जाना है, उस जगह पे लेके जाना है। ये देखो यहाँ पे स्टिल खराब है, थोड़े से मैं आगे फ्रेम करूँगा तो ये देखो यहाँ से मूव हुआ। इससे पहले फ्रेम में स्टिल, इससे आगे फ्रेम में मूव। जहाँ पे स्टिल खराब है वहाँ से तुमने मार्क ले लेना है, और जहाँ तक ये डांस करेगा वहाँ तक तुमने मार्क आउट करके इसको वीडियो को ड्रैग कर देना। चलो तुमने वीडियो को ड्रैग कर दिया, अब हमारा अभी ये एक ड्रेस पे इमोट आया, अगेन हमने दूसरे ड्रेस पे जाना है और हमने वही काम करना है जो हमने पहले काम में किया था। जहाँ पे स्टिल बंदा ख़राब है इसे आगे मूव करेंगे, तो ये देखो यहाँ से मेरा जो है वो बंदा मूव हुआ। इसे आगे मूव, इससे भी मूव, इससे मूव नहीं होता, इसे आगे फ्रेम से हम कट कर लेंगे। ओके, अगेन कट कर लेंगे, और जहाँ पर डांस ख़त्म होता है वहाँ पर हम ले आएंगे। जैसे यहाँ पर डांस ख़त्म हुआ मेरा, यस, तो यहाँ पे ले आएंगे, सिंपल। अब तुम्हें मैं बताता हूँ तुमने अपनी वीडियो का अंदाज़ा कैसे लगाना है कि तुम अपनी वीडियो कट करके सही लाए हो या नहीं। जैसे मैं तुम्हें बताऊँ, मैं कर्सर यहाँ पे लेके गया, ये मैंने यहाँ से आई बटन दबाया, तो देखो मेरा स्टिल बंदा एक बिल्कुल नैनो मीटर सा भी नहीं हिला, और मेरे जो है वो कपड़े चेंज होंगे। इसका मतलब समझ लेना कि तुमने वीडियो को सही कट किया है। तो देखो मैं तुम्हें ट्रिक भी बता रहा हूँ कि तुम्हें किस तरीके से पता लग जाएगा कि तुमने सही किया या नहीं सही कट किया। ओके, ये हो गया, देन तुमने मूव कर लेना है अपना सॉन्ग। मैंने यहाँ पे अपना सॉन्ग जो है मूव कर लिया। अब हमने यार इसको बनाना है स्लोमो। स्लोमो में भी मैं 1000 दफ़ा बता चुका हूँ अपनी वीडियो में, अगेन बता रहा हूँ। इसको क्लिक करके सेलेक्ट कर लिया, देन तुमने करना है राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद ये बार ओपन होगी, घबराना नहीं है। सिंपल यहाँ पर टाइम इंटरपोलेशन में जाके ऑप्टिकल फ्लो अगेन तुमने जाना है, और यहाँ पे तुमने की फ्रेम्स में जाकर नीचे टाइम रीमैपिंग में स्पीड को चेक कर देना है। ओके, तो तुम्हारा ये कुछ शो होने लग जाएगा। अगेन नीचे वाली वीडियो पे वही काम करना है जो तुमने ऊपर वाली वीडियो में काम किया था। ओके, ये हम अभी स्लोमो बनाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि यार हमने ना पूरे इमोट को सॉन्ग पर लाना है, तो उसके लिए हमें स्लो करना पड़ेगा, तो ये आगे जाएगा। सिंपली मैं इसकी वीडियो की रेंज रख रहा हूँ 45। सिंपल ये बार आ रही है दरमियान वाली, इसको तुम नीचे ड्रैग करोगे तो तुम इसकी स्पीड को ना कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी सिंपल मैं रख लेता हूँ 45। ओके, अगेन तुमने यही काम करना है जो तुमने इस पे काम किया, इसकी भी तुमने 45 ही रखनी है। ऊपर तुम 45 रखोगे तो नीचे वाली की भी 45, ऊपर तुम जितना रखोगे उस हिसाब से तुम्हें नीचे रखना है। तो देखो अगेन यार तुमने जाना है, अब मैं तुम्हें बताऊँगा फिर तुमने ये स्लोमो बनाने के बाद अगेन तुमने लाजमी चेक करना है, नहीं करोगे ना गलती निकल रही तो तुम्हारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर आई बटन दबाए, देखो मेरे कपड़े चेंज हो रहे हैं लेकिन मेरा बंदा नहीं हिल रहा। अगेन तुमने दूसरे एंगल से भी चेक कर लेना इसको, तो देखो यहाँ तक हमारा काम हो गया, डन। ओके, तो यहाँ से अब जो वेस्ट मटेरियल है इसको मैं कॉप सेलेक्ट ऑल करके कंट्रोल प्लस के दबाओगे तो वीडियो कट हो जाएगी, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब तुमने क्या करना है मैं तुम्हें बताता हूँ तुमने करना क्या है। मेन चीज़ अब आ रही है यहाँ से वीडियो को नीचे, फिर लंबा कर लो टाइम लाइन को। ओके, यहाँ पर टाइम लाइन हमारी होगी लंबी। चलो भाई, अब ये देखो, अब ये नीचे तुम्हें ग्राफ शो हो रहा है ना, ये देखो
ये ऊपर जा रहा है फिर अगेन नीचे आ रहा है, वेरिएबल ग्राफ है ठीक है। तो ये जो हमारी सॉन्ग बीट्स को शो कर रहा है, अब मैं तुम्हें सॉन्ग सुनाता हूँ, सॉन्ग में ना बीट्स है जिस बीट्स पे हमने कपड़े चेंज करने हैं, तो ये बीट्स को शो कर रहा है। देखो जो टन 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 हो रही है वो इसी वजह से हो रही है और ये इसी को शो कर रहा है। तो तुमने सिंपली क्या करना है, इस बीट्स पे पीछे लेके आना, कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस के, दोनों वीडियो कट। फिर अगेन तुमने ये काम करना है, इस पे लेके आना है कंट्रोल प्लस के और कंट्रोल प्लस के, दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे वीडियो कट करनी है। देखो तुमने ये सारी बीट्स पे यही काम करना है, ओके सारी बीट्स पे, लिटरली वीडियो में जितनी बीट्स हैं 500, 100, 200 जितनी भी बीट्स हैं तुमने सब में ये काम करना है। तो अभी मैं तुम्हें सिर्फ कुछ बीट्स पे काम करके समझा दूंगा, क्योंकि यार मैं सारों पे नहीं कर सकता, क्योंकि सारों का सेम ही है। तुम्हें इतना समझ आ जाएगा तो मतलब तुम्हें सारा ही समझ आ गया, ओके। तो मैं सारों को मार कर लेता हूँ, तो मैं सारों को कट कर लेता हूँ, ओके। तो ओके तुम्हें तुम्हारे समझाने के लिए ना मैंने इतना बना लिया, आगे सारा यही काम है, सिर्फ तुमने बीट टू बीट कट करके सिर्फ कट करना है, ओके। जब तुम कट कर लोगे सारी वीडियो, जैसे ये मैंने किया हुआ है, तुम जैसे ही सारी वीडियो कट कर लोगे, तो अब तुमने क्या करना है, पहला डिलीट, अगेन फर्स्ट छोड़ के सेकेंड डिलीट, फिर एक छोड़ के एक डिलीट, एक छोड़ के एक डिलीट, एक छोड़ के एक डिलीट, ये तुमने काम करना है। सिंपल इसमें ये ट्रिक है और कोई भी ट्रिक नहीं है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ चला के, ये देखो, देखा कितना ज़्यादा सिंपल है। तो आई होप यार तुम्हें ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, और सिंपल मैंने इसमें तुम्हें कॉन्सेप्ट दिया और इतना क्लियर कॉन्सेप्ट दिया ना कि तुम ये किसी भी इमोट पे, किसी भी ड्रेस पे कर सकते हो। और तुम सबको ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, क्योंकि इन डिटेल मैंने तुम्हें सारा तरीका बता दिया। और बाय द वे टिकटॉक पे तुम वीडियो डालो तो मुझे टैग जरूर करना, blue_yt मेरा यूज़र नेम है। और इंस्टाग्राम पे मुझे टैग कर देना, मुझे अच्छा लगता है जब तुम लोग ना मुझसे सीखे लोभी एडिट बना के मुझे टैग करते हो। तो बाय द वे मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में।